पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पशुओं में दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले अवैध इंजेक्शन की बरामदगी के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने शनिवार को पूरे मंडल में अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 250 अवैध इंजेक्शन बरामद किए गए, जिसमें 221 मुरादाबाद और 21 रामपुर और बिजनौर से 8 इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये इंजेक्शन मेडिकल स्टोर के अलावा किराना स्टोर पर चोरी छिपे बेचे जा रहे थे। अब इंजेक्शन बेचने वालों पर विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दूध की बढ़ रही मांग के बीच पशुपालक दुधारू जानवरों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि पशुपालक दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस इंजेक्शन के बाद दूध की मात्रा बढ़ जाती है। अवैध होने के बाद भी इस इंजेक्शन की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। यही वजह है कि शासन ने 2 दिन पहले इंजेक्शन जब्त करने के आदेश दिए थे। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के प्रमुख सचिव ने अभियान के संबंध में हर जिले के अफसरों को आदेश दिए थे। शनिवार को मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर में स्थानीय अधिकारियों ने अभियान चलाया। मुरादाबाद में नागफनी थाना क्षेत्र में नवापुरा में सैनियों वाली गली में एक किराने की दुकान में छापा मार कर 221 इंजेक्शन बरामद कर लिए गए। किराना स्टोर मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा रामपुर के सिविल लाइन्स कोतवाली क्षेत्र में एक किराना स्टोर से 21 और बिजनौर जिले में थाना नूरपुर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर में छापा मार कर 8 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। ऐसा था कि माननीय प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के दिए गए निर्देशों के क्रम में, जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस समय ऑक्सीटोसिन की छापामार कार्रवाई चल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कल एक अपने व्यक्ति को यहाँ पर सलीम किराना स्टोर सैनियों वाली गली नवापुरा में भेजा, जिसने वहाँ परचेस किया। हमारी टीम ने पूरी निगाह रखी और हमने टीम बनाई, एक औषधि निरीक्षक श्री मुकेश जैन मुरादाबाद और एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धीरज कुमार के साथ, पुलिस बल के साथ उसके किराना स्टोर में दबिश दिया है और वहाँ पर जो है 216 वायल प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन का बरामद हुआ है, जिसको सीज करके और अभियुक्त सलीम पुत्र श्री अब्दुल लतीफ निवासी सैनियों वाली गली के खिलाफ माननीय न्यायालय में परवाद दाखिल किया जाएगा। नमूने भी लिए गए हैं, इन्हें मौके से पकड़ा भी है जो किराना की दुकान वाले। हाँ, इनको मौके से पकड़ा है, अभी कार्रवाई चल रही है, सीजर की कार्रवाई। कहाँ से सर ये खरीदता था, ये कुछ बताया? अभी इसने ये कहा है कि कुछ बता नहीं पा रहा है, बता रहा था कि बरेली से कोई दे जाता है, लेकिन नाम पता वगैरह कुछ नहीं बताया। विवेचना का विषय है, आगे विवेचना की जाएगी। क्या कौन सी दवाई थी ये? ऑक्सीटोसिन है, प्रतिबंधित जो पशुओं के उपयोग के लिए 100 ml के वायल में ये पाई गई है, जो प्रतिबंधित है भारत सरकार। कीमत होगी सर इसकी? कीमत तो उसने ही बताया है कि 18 रुपये में वो बेचता है। सर कहाँ से ही लाता था? इसके बारे में अभी खुलासा नहीं कर रहा, जांच चल रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।